और बहुओं को भी चाहिए कि जरा बूढ़ों का, बूढ़ों का, बड़ों का, सास का सम्मान करें, क्योंकि कल आप भी सास बन जाएंगी, तो ईश्वर के घर हिसाब बराबर है। जैसा आप करेंगे वैसा ब्याज सहित आपको मिलेगा। बुरा करेंगे तो बुरा, बुरे का ब्याज बढ़ेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छे का ब्याज बढ़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, अकड़ गर्मी किसी की चली नहीं, है ना मेरी माँ। चलो, तो हम निवेदन कर रहे थे कि वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो पहरेदार सो गए, तो आप भी जब भगवान को लेकर चलते हैं तो आपकी आंखें, आपके कान, आपकी वाणी जो गलत राह पर थी, जो भगवान को लेकर चलता है उसकी वाणी, उसकी आंख, उसका हर इंद्री सही राह पर चलने लग जाती है। इच्छाएं जितनी गलत थी सब सो जाती हैं, मन की अशांति थी मन शांत हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर हृदय भगवान को रखने के लिए है। वसुदेव जी चले हैं, यशोदा के पास पहुंचे हैं, कृष्ण को रखा और कन्या को वापस लिया। कृष्ण को लेकर चलने में एक समस्या है, भगवान श्री कृष्ण माया तक पहुंचाते हैं। जैसे वसुदेव जी माया तक कृष्ण को लेकर चले तो यशोदा की कन्या तक पहुंच गए, और वसुदेव जी ने गलती क्या की, कृष्ण को छोड़ दिया और यशोदा की कन्या वो माया थी, माया को लेकर वापस आए, और जैसे ही माया को लेकर आए वसुदेव जी फिर बंधन में बंध गए, फिर जेल के ताले बंद हो गए। यही है, जो माधव को लेकर चलता है वो हर बंधन से मुक्त होता है, और जो माया के पीछे भागता है वो हर बंधन में बंधा होता है। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको माधव को लेकर चलना है या माया को लेकर। माया बांधती है और भगवान मुक्त करते हैं। माया मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल है माया, जो एक बार पकड़ती है तो छोड़ती नहीं। माया बांधती है, सारा संसार माया के पीछे भाग रहा है, इसलिए भगवान तक नहीं पहुंच पाता। एक राजा थे, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जहां आपको समझ में आ जाए माया का चमत्कार क्या है। एक राजा थे, वो जंगल में जाया करते थे, जंगल में एक सुंदर सा मंदिर बनाया था, वहां बैठ के ध्यान करते थे, प्रभु चरणों में मन लगाते थे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे प्रेम से बड़ा खुश हूँ, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप मेरी समस्त प्रजा को अपना दर्शन लाभ दीजिए, मेरी सारी प्रजा आपका दर्शन करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अकेला मैंने आपका दर्शन किया, सब करेंगे अच्छा लगेगा। भगवान बोले कल सवेरे 10 बजे लेके आना, सारी प्रजा को लेकर आना, जिन जिन को लाओगे हम मिलेंगे यहीं पर 10 बजे। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया गांव में, सुनो सुनो कल 10 बजे भगवान मिलेंगे, चलना है सवेरे सवेरे। गांव वाले तैयार हो गए, जल्दी नहा धोकर कीर्तन करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। जैसे गांव के बाहर निकले तो गांव वालों ने देखा कि पैसों का ढेर लगा है, पैसों का ढेर लगा है। पहली बार गांव वालों ने देखा, चढ़ गए ढेर के ऊपर, समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, चलो। अरे नहीं, गांव वाले बोले, भगवान से कहना कल मिले, आज तो हम पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा है ये, पैसे के लिए हमारे पास बड़ा कर्जा था, बहुत जरूरत थी, सब झोलों में भरने लगे पैसा, अपना दुपट्टा बिछा बिछा के पोटरियां बनाने लगे। राजा ने समझाया, तो कुछ समझदार थे जो मान रहे थे कि नहीं, पैसे से बढ़कर भगवान है। वो चले, 5-10 लोग बचे, अब बाकी पूरा गांव पैसे पर टूट पड़ा। आगे चले तो आगे सोने का ढेर, अब जो 10-20 बचे थे सोने के ढेर में चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा समझाए कि आगे भगवान है, चलो। नहीं नहीं, अब भगवान से कहना कल मिले, आज सोना, इतना धन पहली बार देखा। बहुत समझाया तो राजा की पत्नी रानी राजा के साथ खड़ी हो गई, चलो कोई चले ना चले हम चलते हैं। आगे जैसी चली बहुत सारे हीरे जवाहरात के पहाड़ नजर आए, रानी चढ़ गई, ऐसे हीरे तो हमारे खजाने में नहीं है,
ये हीरों का हार मैं पहनूंगी। राजा समझाए भाग्यवान हीरों के चक्कर में ना पड़ो, आगे भगवान है। नहीं उतरी 10 बजे का समय, राजा अकेले 10 बजे पहुंच गए। भगवान इंतजार करते रहे, राजन तुमने तो कहा था सबको लेकर आएंगे, तुम किसी को नहीं लाए। राजा रो पड़ा, प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए, सब रास्ते में उलझ गए। बताओ ये कहानी किसकी? हमारी, आपकी। सब निकले थे भगवान को पाने के लिए, रास्ते में उलझ गए। बताओ आप में से कितने लोग इस रास्ते पर उलझे हैं? कोई पैसों में उलझा है, कोई सोने में उलझा है, कोई हीरे और मोती में उलझा है। अरे इससे उबरोगे, इससे निकलोगे तो आगे भगवान हाथ पसारे खड़े हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पर तुम आए ही नहीं।